खंडवा के छेगांव माखन के सीवी रमन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट का हंगामा, यूनिवर्सिटी पर लगे कई आरोप। खंडवा के छेगांव माखन स्थित सीवी रमन यूनिवर्सिटी में आज उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब बच्चों को परीक्षा देने से रोका जा रहा था। दरअसल यहाँ पर जो परीक्षा चल रही है, यहाँ पर कई तरह की परीक्षाएं आयोजित हो रही है और इन परीक्षाओं में जिन बच्चों ने फीस नहीं भरे थे उन बच्चों को परीक्षा केंद्र में जाने से जब रोका गया तो बच्चों का आक्रोश फूट पड़ा। बच्चों के हंगामे को समर्थन देने के लिए खंडवा के कांग्रेस नेता शहजाद पवार भी मौके पर पहुंचे और बच्चों की समस्याएं सुनी। इसको लेकर के जो है जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है उन्होंने कहा कि बच्चों का जो है यह विरोध बिल्कुल नाजायज है, लेकिन बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं कई गरीब बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, इन्हें स्कॉलरशिप और कम फीस का लालच देकर के यहाँ पर एडमिशन करवाया गया है, लेकिन कई सत्र गुजरने के बावजूद इनके खाते में आज तक स्कॉलरशिप की एक फूटी कौड़ी तक नहीं आई। लिहाजा ऐसे में बच्चों से पूरी फीस भरवाई जा रही है और फीस नहीं भरने के कारण बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में बच्चों का जब आक्रोश फूट पड़ा तब स्कूल प्रबंधन को आनन फानन में परीक्षा देने के लिए इन्हें दिया गया। क्या कुछ कहना बच्चों का, आप खुद सुनिए बच्चों की जुबानी। हम लोगों ने आज यहाँ पर जो प्रदर्शन करा है छात्रों की समस्याओं को लेकर, छात्रों की समस्या यह थी कि जो यहाँ आसपास से ग्रामीण क्षेत्र से जो गरीब छात्र है उन लोगों को शुरू में ये सी वी रमन यूनिवर्सिटी के द्वारा मतलब एक बहला फुसला के और एक स्कॉलरशिप के नाम पर मतलब कम फीस का नाम लेकर बच्चों को एडमिशन दिलवा दिया है। और ऐसे कई बच्चे जिनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो गया था बट उन्हें फिर भी बहला फुसला के कहा गया कि नहीं हम तुम्हें कम फीस लेंगे और स्कॉलरशिप देंगे और एडमिशन ले लो, ऐसा करा लिया। और यहाँ से जिनके थ्रू एडमिशन लिया गया था जितने फैकल्टीज थी पुरानी उनको सारों को अभी भगा दिया, लगभग 15 से 20 फैकल्टीज यहाँ से भगा दी गई है और उन फैकल्टीज के थ्रू जो ये जितने भी बच्चे आए हुए थे ये लोग यहाँ अटक चुके हैं। कारण ये है कि अब इनसे ये लोग मांग रहे हैं पूरी फीस, ना ही स्कॉलर दे रहे हैं और ना ही जो पास आउट हुए बच्चे उनको ना मार्कशीट दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार मतलब कई बच्चे अभी हम लोगों ने आंदोलन करा उसमें लगभग 150 से 200 बच्चे थे जिनकी सभी की समस्या यही है। और इस विश्वविद्यालय में ऐसा चल रहा है जैसे मान लो रेगुलर बच्चा नहीं आता है फिर भी कई बाहर से भी कोई सा भी बच्चा एडमिशन ले लेता है और उसको मार्कशीट मिल जाती है, पास हो जाता है। और यहाँ जो बेचारे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं डेली रेगुलर आ रहे हैं उन लोग को 80-80 दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, फेल कर देते हैं और मार्कशीट देने के टाइम पर नाटक करते हैं, ना मार्कशीट देते हैं और फीस के नाम पर बार बार टॉर्चर किया जाता है कि तुमको एग्ज़ाम नहीं देने दी जाएगी, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऐसा कुल मिलाकर के ऑनलाइन खेल चल रहा है ये सुबह से कहा। हाँ, कुल मिला के एक तरीके से देखा जाए तो ऑनलाइन खेल चल रहा है। हम स्पष्ट ये भी नहीं बोल सकते कि फर्जीवाड़ा चल रहा है, अभी अंदर की क्या है कि हमें इतना कुछ मालूम नहीं है, परंतु जहाँ तक हमें दिख रहा है, जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से देख पा रहे हैं, हमें तो यही लग रहा है कि जो भी है या ऑनलाइन चल रहा है और विद्यार्थियों के साथ और उनके भविष्य के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। मेरा नाम रुपेश मोरे, मैं छेगांव माखन से हूँ। एग्जाम फीस के नाम पर डबल फीस ली जा रही है और छात्रवृत्ति बिल्कुल नहीं दी जा रही है। आर्थिक आधार के ऊपर कमजोर जो ना किसान वो मजदूरों के बच्चे यहाँ ज़्यादा पढ़ते हैं उनको बोले फीस भरी जाए फिर हम एग्जाम फार्म में आपको बैठने देंगे। अब वो बिना फीस के बैठने नहीं दे रहे, अब वही समस्या हम लेकर आए। अब ऊपर से छात्रवृत्ति आई नहीं, अब छात्रवृत्ति आएगी नहीं। आज आर्थिक आधार के ऊपर बहुत मतलब स्थिति कमजोर बच्चों की थी, इसलिए हम सभी छात्रों की समस्याओं को लेकर आए थे यहाँ पर और हमने हमारी मांग रखी और हमने हमारा एक प्रदर्शन जो था संवैधानिक तरीके से वो प्रदर्शन किया छात्रों के हितों में। आपका परिचय? शहजाद पवार, अध्यक्ष खंडवा युवा कांग्रेस NACI।